नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि लाखों कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने फिर बढ़ाया 5% डीए, वित्त विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किन कर्मचारियों को और किस राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात मिली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफे मिलने शुरू हो गए हैं। देश के लाखों कर्मचारियों को इस महीने ज़्यादा वेतन मिलने वाला है। केंद्र के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कर्मचारी के डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारी के खाते में मोटा पैसा आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त में कर्मचारी के डीए में इजाफा किया था और दिवाली से पहले एक बार फिर सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों को 28% की जगह 33% की दर से डीए मिलेगा। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे को लेकर वित्त विभाग ने जारी किया है कि वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में अब सातवें वेतन आयोग को 33% और छठे वेतनमान वालों को 201% डीए मिलेगा। इससे पहले अगस्त महीने में कर्मचारी का डीए 22% से बढ़कर 38% किया गया था। आपको बता दें कि डीए की बढ़ी हुई दर अक्टूबर से लागू हो जाएगी, यानी कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2022 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी जिसका भुगतान अगस्त की सैलरी के साथ किया जाए। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीआई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लागू होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।